नमस्कार आदाब। सामाजिक सद्भाव, बंधुत्व और प्रेम का संदेश लेकर आज अररिया पहुंची इप्टा की ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा। इप्टा राष्ट्र समिति के आह्वान और आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर इप्टा की सांस्कृतिक यात्रा ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू होकर यह यात्रा झारखंड एवं बिहार के कई जिलों से होते हुए आज 6 फाउंडेशन अररिया के प्रांगण में पहुंची। बिहार में 20 दिनों तक 22 जिलों के 40 कस्बों और 38 गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इप्टा की ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा का मकसद सबके लिए एक सुंदर दुनिया को सिलसिले को आगे बढ़ाना और नफरत की जगह प्रेम, दया, करुणा, बंधुत्व एवं समता से परिपूर्ण और न्यायपूर्ण हिंदुस्तान बनाना है। ढाई आखर प्रेम का पहने और पढ़ने आए हैं हम, भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। स्वागत किया प्रेम के संवाद को बढ़ाते हुए शाम को सांस्कृतिक यात्रा फणीश्वरनाथ रेणु की जन्मस्थली अररिया पहुंची। छाव फाउंडेशन व इप्टा के साथियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर का प्रबुद्ध वर्ग व सामाजिक कार्यकर्ता सहित छात्र नौजवान शामिल हुए। यहाँ पर इप्टा के साथियों ने जनगीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अररिया इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से डॉक्टर एस आर झा, वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं छाव फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर जाहिद अनवर भी उपस्थित रहे। धन्यवाद। 2019 में हम इप्टा के साथ शामिल हुए थे और यहाँ आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरी सोच भी बहुत हद तक एकदम रूढ़िवादिता वाली थी, सच्चाई जो है वही है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने, मेरा दिमाग एकदम चेंज, एकदम बिल्कुल मेरी सोच एकदम चेंज हो गई यहाँ के कि किसी भी धर्म जात में कुछ नहीं रखा है, इंसानियत जो है जहाँ है वहीं सब कुछ है, इंसान इंसान बनना चाहिए इंसान को, कोई कास्ट जात और मजहब कुछ नहीं होता है। और इप्टा से बहुत कुछ सीखने को मिला और वो हमेशा हम लोग के साथ ही रहते हैं और वो मतलब समाज में जो रूढ़िवादिता या फिर गलत चीज़ें अफवाहें फैलाई जा रही उनको ख़त्म करना चाहते हैं और प्रेम और इंसानियत जागरूक करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सवाल है। मैं इप्टा में काफ़ी टाइम से हूँ, लगभग 4-5 साल हो गया मुझे, और मैं एक्चुअली इप्टा ज्वाइन किया था थिएटर के थ्रू से कि मुझे थिएटर करना है, एक्टिंग सीखना है। लेकिन जब मैंने इप्टा ज्वाइन किया तो मुझे एक चीज़ मालूम